अस्सलाम वालेकुम। क्लास सिक्स सब्जेक्ट जनरल साइंस, टॉपिक लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। ये चैप्टर का नाम है चैप्टर 11, सब टॉपिक मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के हमने तीन लेक्चर पढ़े हैं, आज चौथा है। आज हम पढ़ेंगे मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। पहले बच्चों, आपको पता ही है कि आप घर में मिरर इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जैसे आपको अपना चेहरा देखना होगा तो आप घर में आराम से अपना मिरर इस्तेमाल करते हैं। मिरर क्या है? मिरर एक गिलास है जिसके एक साइड पॉलिश की हुई होती है और हम उसमें कोई भी चीज़ जो इसके सामने आएगा वो हम देख सकते हैं, उसको मिरर कहते हैं। We see reflections of various objects that are in front of the mirror. जो भी चीज़ मिरर के सामने होगा उसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? रिफ्लेक्शन हो गया जब लाइट किसी पर, किसी या मिरर पर, लाइट मिरर पर पड़ती है। यानी ये टॉर्च है, इसकी लाइट किस पर पड़ी? मिरर पर। मिरर से ये लाइट वापस आती है तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। यानी मिरर पर पड़ना लाइट और उसका वापस आना, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसी तरह रिफ्लेक्शन हो जाता है कि मिरर पर जो भी लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है। वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इन द वाटर, ऑफ पॉन्ड और लेक। देखो पहले बच्चों, आप जब किसी नदी पर, किसी जहाँ पानी जमा होगा वहाँ बैठे हुए होंगे, या आपको सिंपली आप घर में बैठे हुए हैं तो किसी बर्तन में पानी है तो आप उस बर्तन में भी बहुत सारी शक्लें जो उसके सामने होंगी, उसके साइड में होंगी, तो उसके रिफ्लेक्शंस आप उसमें देख सकते हो। मिरर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट। मिरर क्या करता है? जब इस पर लाइट पड़ती है, मिरर पर लाइट पड़ती है, तो लाइट क्या करता है? ये वापस देती है, यानी ये चेंज करती है। लाइट जो है, लाइट ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, यानी मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया कि लाइट जो है ये सीधी लाइन में जाता है, ये बेंड नहीं होती है, एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर। देखो ये लाइट है, टॉर्च है, टॉर्च ऑन किया मिरर पर तो लाइट कहाँ आती है? वापस बेंड हो जाती है। इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब हो गया जब मिरर पर लाइट पड़ते हैं ये वापस आ जाती, बेंड हो जाती है। तो ये डायरेक्शन, यानी ये यहाँ से जा रहे हैं तो इसको ये वापस मोड़ती है, इस लाइट को वापस मोड़ती है, तो लाइट रेज को वापस मोड़ती है, इसको कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ, यानी चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन। देखो अगर आप पहले बच्चों अंधेरे रूम में बैठोगे, अंधेरा कमरा होगा, अंधेरा होगा, तो आप लाइट जलाओगे यानी टॉर्च डालोगे किस पर? मिरर पर। आपको आराम से ये पता चल जाएगा कि लाइट जो होती है, देखो लाइट मिरर पर पड़ी तो वापस आ गई, तो ये जब रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्शन हो गया, तो आपको यहाँ चेयर नजर आती है। क्या नजर आती है? चेयर। ये लाइट है, लाइट किस पर पड़ी? मिरर पर। मिरर जो है, मिरर ने लाइट वापस दी, रिफ्लेक्शन हो गया, तो हमें चेयर नजर आ गई। तो यहाँ तो लाइट इस चेयर पर पड़ी तो हमें चेयर अंधेरे रूम में नजर आती है। तो इसका मतलब हो गया, ये हमें पता, ये इससे हमें पता चलता है कि लाइट जो है ये मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है और फिर वापस आके बेंड हो जाती है, यानी डायरेक्शन ऑफ लाइट भी इसका चेंज करती है। मिरर का आपको समझ आ गया पहले बच्चों कि मिरर सीरीज पर, जिसमें हम कोई भी चीज़ जो इसके सामने होगी वो देख सकते हैं, उसकी शक्लें इसमें आ सकते हैं। मिरर आपने गाड़ी में भी देखा, गाड़ी में भी मिरर का इस्तेमाल हो जाता है कि वो साइड शीशों में, या हम घर में इस्तेमाल करते हैं अपने आप को देखने में। तो ये हो गया आज मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन। इस तरह हमने ये पूरा चैप्टर जो है चार लेक्चरों में कंप्लीट किया। तो इसमें आपको सवाल आ सकता है कि मिरर हु चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट, या आपको रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? रिफ्लेक्शन सवाल आएगा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन हो गया कि जब किसी
लाइट किसी मिरर पर पड़ती है तो वो वापस आती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। पूरे लेसन में जो हमने चैप्टर इस लेक्चर 4 में पढ़े हमने, तो इसमें ये भी हाउ आर शेडोज फॉर्मड वो हमने पढ़ा है, ये सवाल भी क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ आर शेडोज फॉर्मड। तो यहाँ आपको ये भी आ सकता है कि ओपीक व्हाट आर ओपीक ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर ट्रांसलेशनल ऑब्जेक्ट्स, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस तरह ये हमने कंप्लीट किया ये चैप्टर। तो आप ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तब आप हम अगला लेक्चर अगला चैप्टर उठाएंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।